चलिए दोस्तों, आज 14 फरवरी है। आज हमारा 10th क्लास का एग्ज़ाम था। आज का विषय था हमारा मैथ का। जो मैथ का जो बच्चे परीक्षा देकर आए हैं वो अपना आंसर मिलाने के वो चाहत हो रही होगी, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। जो इसमें ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम 100 क्वेश्चन दिया है, एक 4 चॉइस, जो अभी पूरा सही सही उसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आपको डेली मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, दिख नहीं रहा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देख लीजिए आप क्वेश्चन। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आरे है तो उसकी परिमिति होगी, इसका परिमिति ज्ञात करना था। क्वेश्चन टॉप नहीं था, बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान था, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगा देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये आपको बनाना होगा अर्धवृत्त के त्रिज्या के सूत्र पर। अर्धवृत्त के त्रिज्या आपको याद होना चाहिए, इसका अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है। इस पर आप आर के जगह पर 3 रख के बैठाइएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो इस सूत्र पर आप बैठाकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रेरकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रेरकता कौन नहीं हो सकती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी पर आप सही टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से देख सकते हैं कौन सा सही है, यानी ई और ई डैश में संबंध गया, तो आपका इसमें अगर सी पर सही टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए एक पस्से की एक फेंक में 2 आने की प्रेरकता क्या है। 2 आने की प्रेरकता, यानी एक पस्सा में कितने 2 होता है, इस टाइप के पस्सा होता है, इसमें 2 बिंदु होता है, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाता है 4, ऐसे ऐसे हो जाता है, इधर हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाता है 1, ऐसे तिरछा होता है। तो 2 आने की प्रेरकता, तो 2 एक ही होता है, तो एक कितनी बार नहीं आ सकता है, 2 कितनी बार नहीं आ सकता है, तो इसकी आने की प्रेरकता 5/6, यानी 5/6 बार में, माने एक पास्सा में किसी संख्या के आने की प्रेरकता 6 होता है, अगर नहीं आने की प्रेरकता तो उसमें से 1 कम हो जाए, यानी 5/6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन सी पर टिक लगे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अच्छी तरह फेटे गए 52 तास की एक गड्डी में से यक्षद्रित एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बचाव होने की प्रेरकता। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, काले रंग की प्रेरकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर छः का सही आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है इतना, इसका माध्यिका 35 दिया है, तो एक्स के मान पूछ रहा है, तो एक्स के मान आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स का मान आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पर टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संचाई बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। संचाई बारंबारता देख लीजिए यहाँ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक के निर्धारण में, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाए हैं तो आपका सही, नहीं तो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माध्यमिक और बहुलक में कौन सा संबंध सत्यापित है। तो देखिए देख लीजिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देख लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन माध्यमिक बहुलक के लिए सत्यापित नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान विधि है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग इसमें देखना है, तो इसका सही आंसर जानते हैं कौन हो जाएगा, 9 नंबर का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सी पर टिक लगाए हैं तो आपका सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर जानते हैं कौन हो जाएगा? इसका सही 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पार्टिकल गए हैं तो आपका 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का सही आंसर जानते हैं कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर आप टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर आप टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी पर सही लगाए हैं, टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। क्वेश्चन नंबर चौदह के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, किसी वृत्त का व्यास के सिरे का निर्देशांक इतना इतना दिया है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आप सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ज्ञात किए हैं तो बताएं कि इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 - 2 है जो ये वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दिया है, ये 3 गो शीर्ष दे रखा है और बोल रहा है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे तो आपको सही आंसर जानते हैं कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अगर 3-3 आ रहा है तो आपका सही है, अगर गलत है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगले क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी 19। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी, बी बी इसका सही आंसर 19 के। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 26 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर टिक लगाए हैं 26 नंबर, तो आपका सही आंसर है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 29, देखिए 29 देख लीजिए, 29 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, 31 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 के लिए हो जाएगा आपका, 37 के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
38 के लिए, 38 क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनचालीस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चालीस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 क्वेश्चन के लिए, देखिए 43 क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 45 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 46 क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए। ये पर्टिकुलर है तो सही है। इस वीडियो में आपको 46 तक ही मिलेगा इसके लिए, और अगले पार्ट में इसके आगे वाले देख सकते हैं क्वेश्चन सर।